Hello students, so we are starting here mathematics for CBSE class 10th. In this video we will discuss about trigonometrical concepts. So first of all we will discuss about the relationship of sine theta and cos theta in a right angle triangle. Kisi bhi right angle triangle mein we know hypotenuse square is always equal to sum of base square plus perpendicular square hota hai. अब इस इक्वेशन को अगर हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें बोथ साइड एलएचएस पे आरएचएस पे, तो देखिए यहां पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिखा, तो यहां पर बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिखा, यहां परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिख दिया. इससे क्या बेनिफिट हुआ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से ये आपस में कैंसिल होके वन आ गया. एज वी नो कॉस थीटा इज द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और यहां है बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. एज वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर देखें आप तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. तो इन दिस वे वी गेट अ रिलेशनशिप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और यू कैन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए और बाकी चार इक्वेशन आप इसी से डिराइव कर देंगे. देखिए You can write cos square theta is equal to, इसको इधर शिफ्ट कर दिया sin square theta को, तो बन जाएगा 1 minus sin square theta. अगर आप sin square theta की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो cos square theta को शिफ्ट कर लेंगे, तो sin square theta is equal to 1 minus cos square theta बन जाएगा. अगर आप सिर्फ cos theta की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट लगा दीजिए स्क्वायर को हटा के, तो cos theta is equal to square root 1 minus sin square theta बन जाएगा. If you want to calculate sin theta, तो आप square root लगाएंगे इस equation में, तो sin theta is equal to square root 1 minus cos square theta बन जाएगा. ये एक पहले relationship की पांच तरीके आपके सामने आ गए जो कि cos theta और sin theta को बता रहे हैं, जिनका use करके हम trigonometrical identities prove करेंगे. Now we will try to understand the relationship between sec theta and tan theta. As we know the equation hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. अब की बार इस equation को हमने base से divide कर दिया, यानी base hypotenuse upon base का relation. तो hypotenuse square upon base square is equal to base square upon base square plus perpendicular square upon base square. As we know hypotenuse upon base sec होता है, तो यहां लिख दिया sec square theta. बेस और बेस कैंसिल हो गए तो वन आ गया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा आ गया. इन दिस रिलेशन आया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. दूसरा, अगर आप इस टेन को इधर शिफ्ट कर दें तो लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. अगर आप सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो आप उसको शिफ्टिंग करके बना सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, means tan square theta is equal to sec square theta minus 1. अगर आप sec theta की वैल्यू निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं square root 1 plus tan square theta. अगर आप tan theta की वैल्यू निकालना चाहें तो लिख सकते हैं sec square theta minus 1. In this way ये पांच relationship हमने फिर बना लिए, किसके बीच में sec theta, sec square theta and tan square theta. अब हमारे सामने दो remaining रह गए cosec theta and cot theta, आइए उसका relationship देखते हैं. Now we come to the third relationship between cosec theta and cot square theta. अब की बार जो ये equation है hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, इसको हमने divide कर लिया perpendicular से, तो देखिए we can write hypotenuse square upon perpendicular square is equal to base square upon perpendicular square plus perpendicular square upon perpendicular square. और हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक होता है, तो वी विल गेट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस वन. मींस वी विल गेट अ इक्वेशन कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन. नेक्स्ट इक्वेशन वी विल गेट कॉट स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर दें अगर कोसेक की तरफ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. We can get cot square theta is equal to cosec square theta minus.
अगर हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो इस इक्वेशन में स्क्वायर को हटा के स्क्वायर रूट लगा देंगे तो स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वी कैन राइट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इन दिस वे ये पांच रिलेशनशिप हमने कोसेक और कॉट थीटा के बीच में पता लगा लिए। तो फाइनली एक समरी हम लोग फिर से देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अगला सेट है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो आप देखिए इस तरह से ये मैंने 15 इक्वेशंस आपके सामने तैयार कर दी। इनका यूज करना है हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के वेरिफिकेशन के लिए। इसके पहले जो आपको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन था साइन और कोसेक का, वो याद रखना है। सेक और कॉस का रिलेशनशिप इनवर्स होता है, ये याद रखना है। कॉट और टेन का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसका प्रोडक्ट वन आता है, ये याद रखना है। और ड्यूरिंग दी प्रूविंग ऑफ आइडेंटिटीज इन द ट्रिग्नोमेट्री एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है जो आप पहले से पढ़ के आए हुए हैं, और इन सबको प्रूव करने के पहले एक बार उसको आप अपने दिमाग में समराइज कर लें। वो क्या है? एलजेब्रा के कुछ बेसिक इक्वेशंस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ये फॉर्मूले आपको अगर याद होंगे तो आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व करते समय इनका यूज करेंगे। और कैसे यूज करना है ये तो हम लोग प्रॉब्लम्स के समय डिस्कस करेंगे। तो इन सबको तैयार करके इनका यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट मॉड्यूल से हम लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। टिल देन थैंक यू।